हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो ये देखिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं पुरानी पैंट से एक 6 साल के और एक 10 साल के बच्चे की कैपरी। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए हम कैसे कैपरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये अपनी एक पैंट ले ली है, ये देखिए लेडीज़ पैंट है ये। और ये देखिए, इसको एक बच्चे की 10 साल के बच्चे की पहले कैपरी ले लेंगे, फिर उसको यहाँ पर देखिए नापेंगे। आप चाहे बच्चे का नाप लेकर भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको ऊपर से हम इतना ही रखेंगे और ये फिटिंग भी इतनी ही रखेंगे। ये देखिए, हमारी इसकी लंबाई 23 इंच है और इसमें देखिए 1 इंच नीचे सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर नीचे से फोल्ड जो करेंगे, और देखिए यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और इसको हम कट कर देंगे। अगर आप इसकी और थोड़ी फिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको आसन की साइड से कट कर सकते हैं, वरना कैपरी तो लूज ही रहती है। ये देखिए, और हमने इसको कट कर दिया है। और ये देखिए, यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये तो हमारी सिंपल है, ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है ये। और ये देखिए, अब यहाँ पर हम अपनी 6 साल के बच्चे की कैपरी कट करेंगे। ये देखिए हाफ पैंट, ये देखिए हमने दोनों नीचे का जो हिस्सा काटा था उसको हम ले लेंगे और बच्चे की कैपरी ले लेंगे, या आप इंच टेप से भी नाप सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे आसन के लिए। ये देखिए, अब इसको हम इंच टेप से नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई लेंगे हम 9 इंच, ये देखिए वैसे टोटल लेंगे हम इसकी 10.5 इंच। और देखिए, इसकी लंबाई ले ली है हमने। और ये देखिए, आसन का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। ये देखिए, हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा कट किया था, 9 इंच निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ पर गुलाई कर देंगे 1 इंच की। और ये देखिए, इसको हम कट कर देंगे एक साथ। आप चाहे इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर कट कर दिया है। और ये नीचे वाले जो टांग का हिस्सा है, हम इसको खोल लेंगे। ये जो हमारा मोहरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर सिलाई हो रखी है। तो ये देखिए, पहले हम बड़ी वाली कैपरी को देखिए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारी इस पर सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही दूसरी वाली टांग पर भी हम लगा लेंगे, दूसरी वाली पर। और ये देखिए, यहाँ पर हम लास्टिक डालेंगे। तो हम यहाँ पर अपने बच्चे की कमर से नाप लेते हुए लास्टिक ले लेंगे, और जितना बच्चे की कमर का नाप आए उससे हम 3 इंच कम वो लेंगे लास्टिक, और यहाँ पर देखिए डाल देंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है लास्टिक को। और ये देखिए, लास्टिक के ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे हम, ताकि लास्टिक हमारी पलटे ना। ये देखिए, यहाँ पर खींचते हुए इसको हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। और हमारे देखिए, जल्दी से 5 मिनट में बन करके कैपरी, एक 10 साल के बच्चे की कैपरी बन करके तैयार हो चुकी है। अब देखिए, हम यहाँ पर 6 साल के बच्चे की कैपरी की सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमारे जहाँ पर ये सिलाई वाला हिस्सा था, इसको हम खोल लेंगे। देखिए, हमने दोनों पल्ले खोल लिए हैं। एक को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर दूसरे को उल्टा रखेंगे, आसन वाला हिस्सा। और देखिए, कमर से लेते हुए आसन पर सिलाई लगाएंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और देखिए, यहाँ पर हमारा कपड़ा कम था, तो हमने एक कपड़ा 2.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई अपने बेल्ट के अनुसार ले ली है इसकी, जितनी हमारी कैपरी की बेल्ट है। और ये देखिए, यहाँ पर हम इसको सिलाई कर देंगे। ये हमारा हिस्सा अंदर की साइड जाएगा, इसमें हम लास्टिक डालेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और इसको अंदर की साइड करते हुए एक ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, सिलाई लगा ली है हमने। और ये देखिए, हम पहले दोनों जो हमारा एक आसन जो बचा है उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे। और देखिए, हमने यहाँ दूसरे आसन पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसको देखिए, हम लास्टिक के अनुसार मोड़ के इसको हम जो हमने दूसरा कपड़ा लगाया था उसको 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम नीचे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर नेप आए, हमारे जहाँ पर आसन है वहाँ से हम 1 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड 1-1 2 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही पूरी बेल्ट पर हम सिलाई लगा लेंगे नेफे पर।
और ये देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपने बच्चे की कमर का नाप लेते हुए उससे 3 इंच इलास्टिक कम रखेंगे। ये देखिए ऐसे हम पूरे में डाल देंगे और हम देखिए इलास्टिक डाल चुके हैं और इसको हम अब सिल देंगे। ये देखिए इसको हम जॉइंट कर देंगे और एक सिलाई हम इलास्टिक के ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम बचे हुए जो हमारे हिस्सा छोड़ा था उस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब हमारे नीचे ऐसे जो हमारा पैर वाला हिस्सा जो बचे हैं दोनों, ये देखिए एक ऐसे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई हो चुकी है और कैपरी बन करके तैयार है। ये देखिए हमने यहाँ पर दो सिलाई लगा दी ताकि हमारी सिलाई टूटे ना। ये देखिए कितनी अच्छी कैपरी बनी है हमारी, एक ही पैंट से हमारी दो कैपरी बन करके तैयार हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं ऐसी वीडियो देखने के लिए।